जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नाम जाप की सबसे अच्छी और खूबसूरत बात यह है कि इसमें कोई भी गुरु आपको नाम जाप करने के लिए कहे, ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है। ज़रूरी नहीं होता है कि कोई भी गुरु आपको नाम जाप करने के लिए कहे तो ही आप नाम जाप करेंगे तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा या फिर लाभ आपको मिलेगा। नाम जाप आप स्वयं ही कर सकते हैं, जो भी आपके इष्ट देवता हों, जो भी देवता आपको पसंद हो। कभी कभी हम नहीं समझ पाते हैं कि हमारे इष्ट देवता कौन है, तो ऐसे में जो भी देवता आपको बहुत प्रिय लगते हो, आपको भगवान श्री राम प्रिय लग सकते हैं, आपको श्री कृष्ण भगवान प्रिय लग सकते हैं, आपको कोई भी देवी देवता प्रिय लग सकते हैं, उन्हीं देवताओं का आप नाम जाप करने लगते हैं तो जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन होने लगता है। और नाम जाप एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि इसमें कोई ज़्यादा नियम की आवश्यकता भी नहीं होती है। जिस प्रकार से मंत्र जाप में हम संकल्प लेते हैं, मंत्र जाप में हम मंत्र गुरु के मुख से सुनते हैं, मंत्र जाप में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, पवित्रता का, पवित्रता का, कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पवित्र हो के जप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, दिशा कौन सी है, कहाँ बैठे हैं, कई नियमों की बाध्यता होती है मंत्र जाप में। लेकिन नाम जाप में ज़्यादा बाध्यताएं नहीं होती। नाम जाप जितना सहज होता है उतना मंत्र जाप सहज नहीं होता है। सहज का अर्थ यह है कि नाम जाप आप कहीं पे भी, कैसे भी, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। आप लेटे हुए नाम जाप कर सकते हैं, आप बैठे हुए नाम जाप कर सकते हैं, आप चलते फिरते भी नाम जाप कर सकते हैं। जब आप नाम जाप करते हैं तो बस कुछ ही ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली बात तो है कि जब आप शौच इत्यादि के लिए जाते हैं, जब आप अपवित्र अवस्था में होते हैं तो उस समय नाम जाप ना करें। नाम जाप ना करें, मंत्र जाप ना करें, या फिर कोई भी ईष्ट देवी देवता है उनका आवाहन ना करें, क्योंकि कोई भी देवी देवता अपवित्रता से बहुत दूर होते हैं, पवित्रता का बहुत ध्यान रखा जाता है, तो ऐसे समय पर नाम जाप नहीं करना चाहिए। नाम जाप जो लोग करते हैं उनके जीवन में अथाह परिवर्तन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जीवन में बदलना शुरू हो जाती हैं। अगर हम प्रभाव को देखेंगे तो मंत्र जाप में जिस प्रकार से प्रभाव आपको मिलते हैं, बहुत सारे नाम जाप में आपको उसी प्रकार के भी प्रभाव दिखने लगते हैं। अब ये आपके भाव पे निर्भर करता है कि आप किस भाव से भगवान का नाम जाप कर रहे हैं। जब आप कोई भी जाप करते हैं, चाहे वो मंत्र जाप हो या फिर नाम जाप हो, आप अपने मन को स्थिर करना शुरू कर देते हैं, आप अपने मन को एकाग्र करना शुरू कर देते हैं। शुरू शुरू में तो आप अपने मन के विचारों को शांत करना शुरू कर देते हैं, प्रेशर देते हैं विचारों को कि विचार ना आए। उसके लिए आप कभी कभी उपांशु जाप करते हो, वाचिक जाप करते हो, बोल बोल के जो जाप किया जाता है उसे वाचिक जाप कहते हैं, और जो मंत्र को या नाम को फुसफुसाते हुए जपते हैं उसे उपांशु जाप कहते हैं। मानसिक जाप तो आपको पता ही है, जिसमें ना होंठ हिलते हैं ना फिर आपकी जीभा हिलती है। तो तीन तरह से जाप किया जाता है। लेकिन जब हम शुरुआती अवस्था में होते हैं तो हम जोर जोर से बोल के, जोर का अर्थ है बोल के जाप करते हैं। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगने लगता है कि अगर हम बोल के जाप करेंगे तो मंत्र की या फिर नाम की जो आवाज़ है, वो जो ध्वनि है, वो हमारे कानों में जाएगी, और हमारे कानों में जाएगी, हम अपने मंत्र को जब खुद सुनेंगे तो विचारों से दूर हो पाएंगे, मन के विचार आपसे दूर होने लगेंगे। और कई अवस्थाओं में ऐसा होता भी है कि मन के विचार दूर होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन सभी का मन एक जैसा नहीं होता है।
किसी किसी के मन के विचार स्थिर होना शुरू हो जाते हैं बहुत जल्दी, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है। लेकिन किसी किसी के मन के विचार इतने ज़्यादा चलते हैं, इतने ज़्यादा चलते हैं कि उन्हें ये समझना मुश्किल हो जाता है कि हम अपने मन के विचारों को कैसे शांत करें। अगर 10 व्यक्ति हैं, एक उदाहरण के हिसाब से आप समझिए, 10 व्यक्ति हैं और 10ों के मन का अगर आप विश्लेषण करेंगे तो सभी के मन में अलग अलग विचार चल रहे होंगे, और जो रोकने का प्रयास है अगर 10ों व्यक्ति करते हैं तो सभी अपने अपने तरीके से विचारों को रोक रहे होंगे। भले ही उन 10ों व्यक्ति को एक कोई टेक्निक सिखाई गई हो कि आप ऐसे विचारों को रोकना, और उसी प्रकार से सभी व्यक्ति विचारों को रोकने का प्रयास करते हैं, तो 10 में से 2 व्यक्ति हो सकता है विचारों को रोक लें, 8 व्यक्ति ऐसे होंगे जो विचारों को नहीं रोक पाएंगे। उसके कई कारण होते हैं, कई विश्लेषण होते हैं। अगर आप इसका अनुसंधान करेंगे या फिर इस बारे में इन रहस्यों को खोलने का प्रयास करेंगे तो कई बातें आपको समझ में आएंगी कि आखिर विचार आना बंद क्यों नहीं होते हैं, या फिर कुछ लोगों के विचार आना बंद हो जाते हैं, उनका मन एकाग्र होना शुरू हो जाता है। इस बारे में कभी और बात करेंगे। आज का विषय ये था कि नाम जाप आपको वर्तमान में क्या देता है। देखिए, कोई भी जाप आप कर रहे होते हैं, जैसे पूजा पाठ करते हैं या फिर मंत्र जाप करते हैं हम, तो हमारे मन में ऐसा विचार आता है कि जैसे आपने कल के लिए कुछ सोचा, हे भगवान मेरा ये कल ये काम बन जाए। अगर वो कार्य आपका बन जाता है तो आपके मन में क्या आएगा कि हाँ भगवान है और उन्होंने मेरी सुनी। लेकिन आपका काम अगर बिगड़ जाता है तो कुछ व्यक्ति जो ज़्यादा भगवान में विश्वास रखते हो क्या कहेंगे, शायद भगवान की यही इच्छा थी जिसकी वजह से मेरा कार्य नहीं बना, हो सकता है मेरे लिए बहुत कुछ अच्छा भगवान ने सोच रखा। इस प्रकार की चीज़ें मन में आती हैं। और कुछ ऐसे भी होंगे जो ये सोचेंगे कि अरे ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती हैं, अपने कर्म ही सब कुछ है और भगवान में विश्वास रखने का कोई मतलब नहीं है, आप करोगे तो मिलेगा, मेहनत से ही सब मिलता है। ऐसे भी विचार लोग रखते हैं, सबकी अपने अपने विचार होते हैं, सबके जीवन में उनके जीने का जो तरीका होता है सबका अलग अलग होता है। मन के जो विचार होते हैं जब शांत होने लगते हैं, एकाग्र होने लगता है आपका मन, तो कोई भी जाप फलित होना शुरू हो जाता है। फलित का अर्थ यह है कि जो भी जाप आप कर रहे होते हैं उस जाप में एक ऊर्जा निकलना शुरू हो जाती है, आपके अंदर एक अग्निपुंज बनना शुरू हो जाता है। जब वो अग्निपुंज बनता है तो उसमें ऊर्जा बढ़ना शुरू हो जाती है आपके जाप के माध्यम से। आप ये समझिए कि कोई हवन कुंड है, उसमें अग्नि प्रज्वलित हो रही है, तो जब आप उसमें घी डालते हैं तो अग्नि बढ़ जाती है, आपने देखा होगा। इसी प्रकार से आपकी जीवात्मा में एक अग्नि जल रही है, एक ऊर्जा की अग्नि जल रही है। जब आप जाप करते हैं तो वो जाप घी की तरह कार्य करता है आपके शरीर में, उस ऊर्जा को बढ़ाने के लिए घी का कार्य करता है। जैसे ही जाप की ऊर्जा उसमें जाती है उसकी लौ और बढ़ जाती है। आप इसे कई रूप में समझ सकते हैं। आप इसे ये समझ सकते हैं कि आपका ऑरा या आभा मंडल जिसे कहते हैं वो बढ़ रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि आपके अंदर सकारात्मकता बढ़ रही है, नकारात्मकता खत्म हो रही है। आप ये भी कह सकते हैं कि जब आपकी ऊर्जा बढ़ रही तो आपका तपोबल बढ़ रहा है। कई तरह से आप इसे समझ सकते हैं इस बात को। लेकिन इस बात में एक बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि जब भी कोई जाप करते हो आप, तो ये मत सोचो कि आज हमने जाप किया और शाम को उसका फल मिल जाएगा या फिर कल उसका फल मिल जाएगा। यही वो विषय है जिसके बारे में आपको गहराई से सोचने की आवश्यकता है। आप ये सोच के कभी भी जाप मत करो कि मेरा कल कोई कार्य बन जाएगा, परसों कोई कार्य बन जाएगा, क्योंकि जब आप जाप करना शुरू कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपकी प्रारंभिक अवस्था होती है। पर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत समय से जाप करते आ रहे होंगे। अब इतने समय पहले से जाप करते आ रहे हैं उसके बाद भी उन्हें कुछ प्रभाव नहीं समझ में आ रहा होता है, तो कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको अच्छे से मार्गदर्शन ना मिला हो, या आप समझ ही नहीं पा रहे हों कि ये कैसे करना है, या फिर आप ये नहीं समझ पा रहे हों कि जाप में किस प्रकार से जाप किया जाता है, कैसे मन को शांत किया जाता है, कैसे देवी देवताओं का ध्यान लगाया जाता है,
कैसे हम उनसे जुड़ पाते हैं। इसमें यहीं पे फिर एक रोल शुरू होता है गुरु का, जो आपको रास्ता दिखाना शुरू करता है। तो जब वर्तमान में आप जाप कर रहे होते हैं, तो वो वर्तमान का जो जाप होता है वो आपके लिए योग बना रहा होता है। योग बनाने का अर्थ समझ सकते हैं आप, जैसे आज आपने जाप शुरू किया, आज आपने नाम जाप शुरू किया, तो नाम जाप शुरू करने का अर्थ ये हुआ कि आपने बीज को जमीन में बो दिया है। अब संभावनाएं क्या हो सकती हैं कि उसमें आपने जाप करते रहे, जैसे जाप करे समझिए आपने उसमें जल डाल दिया, धीरे धीरे करके बीज अंकुरित हुआ, पेड़ निकलना शुरू हुआ, तो उस पेड़ से फल तक का जो समय है वो लंबा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अब देखिए सभी का अपना अलग अलग बीजों का अपना अलग अलग एक फार्मूला जैसा होता है कि कुछ बीज जो है 2 साल बाद फल देते हैं, कुछ बीज हो सकता है महीने भर के अंदर फल देना शुरू हो जाएं। कई तरह के बीज होते हैं। इसी प्रकार से जाप भी कई तरह का होता है, मंत्र भी कई तरह के होते हैं। और यहाँ पे यह कहना भी उचित होगा कि जैसे जमीन की उर्वरकता या उसका जो एक शक्ति होती है किसी भी पेड़ को अच्छे से ग्रो करने के लिए, वो अलग अलग होती है। सभी मिट्टी एक जैसी नहीं होती, किसी की उर्वरकता अच्छी होती है, किसी की उतनी अच्छी नहीं होती है। इसी प्रकार से आपका जाप होता है, जब आप जाप कर रहे होते हैं तो जाप की ऊर्जा किसी की तो बहुत अच्छे से बढ़ती है, किसी की उतनी अच्छे से नहीं बढ़ पाती है। जिस प्रकार से सारे बीज पेड़ का रूप नहीं लेते, उसमें से बहुत सारे बीज खराब भी हो जाते हैं, तो उसी प्रकार से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके जाप फलित नहीं हो पाते हैं, या जिनके जाप का फल उन्हें नहीं दिखाई देता या समझ में नहीं आ रहा होता है। कई कारण हो सकते हैं, उन्हें मार्गदर्शन ना मिला हो या वो समझ ना पाए हो किस प्रकार से कर रहे हो, लेकिन कमी अवश्य होती है। ऐसा आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं कोई कमी नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हैं ये भी एक कमी हो सकती है। सिर्फ ये सोच के विश्वास ख़त्म मत करिए कि नहीं मेरा तो कोई कार्य बना ही नहीं, हम 10 साल से लगे थे, 10 साल से दीपक जला रहे हैं, 10 साल से दीपक में फूल बन रहा है, 10 साल से संकेत मिल रहे हैं, लेकिन मेरा कार्य बन नहीं रहा है। इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं गलती तो हो ही रही है, जिसे आप नहीं समझ पा रहे, और वो ही गलती आपके भाग्य के अनुसार आपको चलाती चली जा रही है। आप बदल नहीं पाए चीज़ों को, तो बदल नहीं पाए तो इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ कुछ कमियां ऐसी हैं जो नहीं पूरी कर पा रहे हैं हम, और उसके लिए आपको गुरु की आवश्यकता होती ही होती है। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि कह दिया तो आप गुरु की तलाश करना शुरू कर दो, नहीं कोई भी किसी को बना लो, ऐसा नहीं करिएगा। हर किसी को गुरु भी नहीं बनाया जा सकता है। शुरुआती दौर में जब आप जाप करना शुरू करते हैं तो आपके अंदर जब अग्नि बढ़ना शुरू होती है या फिर ऊर्जा बढ़ना शुरू होती है आपकी जीवात्मा की, तो उससे एक वाइब्रेशन पैदा होता है, कंपन पैदा होता है। वो कंपन से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति होते हैं वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसी ऊर्जा को आप पैदा कर रहे होते हैं वो ऊर्जा उसी ऊर्जा की तरफ आकर्षित होती है। तो जब आकर्षण होगा तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गुरु आपको उसी ऊर्जा का अवश्य मिलेगा, जो उस ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कार्य करेगा। ऐसे ही कोई लोग आपसे नहीं टकरा जाते हैं जीवन में, ऐसे ही सब कुछ नहीं चेंज हो जाता है, कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा इसके लिए कार्य करती है। जब आपकी ऊर्जा अच्छी होती है, आप नेक दिल होते हैं, आपका हृदय पवित्र होता है, आप किसी के साथ धोखा नहीं करते हैं, तो मदद भी कहीं ना कहीं से आपकी स्वयं होती ही होती है। आप में से बहुत सारे उदाहरण होंगे, आपको ही पता होंगे, आपके खुद के उदाहरण होंगे कि आपको वहाँ से ये मदद मिल गई थी, आपको पता ही नहीं चला कि कौन आपको मदद करके चला गया, आपको जब ज़रूरत पड़ी कोई ना कोई खड़ा हो गया। तो ये स्वतः ही नहीं हो जाता है, ये आपके द्वारा पैदा की गई ऊर्जा का असर होता है। तो जो भी जाप आप कर रहे होते हैं, जैसे आज आप नाम जाप शुरू कर रहे हैं, तो उस नाम जाप से योग बनना शुरू होता है। पौधे की बात की थी ना कि एक बीज को आप अंकुरित कर रहे हैं, जमीन के अंदर बो रहे हैं, तो उससे पेड़ निकलेगा, फिर धीरे धीरे करके बड़ा होगा। उस बड़े होने की प्रक्रिया में आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी,
उस पेड़ का तो सबसे पहले ख्याल रखना पड़ेगा, सबसे पहली चीज़ है ख्याल रखना पड़ेगा, उसको जल देना पड़ेगा, धूप से, आंधी से, कई चीज़ों से आपको बचाना भी पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा धूप हो रही है तो सूख ना जाए, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो सड़ ना जाए, कई प्रकार की चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। आंधी आ रही है तो पेड़ टूट ना जाए, धीरे धीरे करके आप उसे ग्रो करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे करके पेड़ बढ़ना शुरू होता है, उसी प्रकार से आपकी ऊर्जा भी बढ़ना शुरू होती है। तो जो चीज़ें आज आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, जो चीज़ें आज आप अपने मन में ला रहे हैं कि आपको ऐसा पाना है, जीवन में ऐसा करना है, और उसके बाद जब आप नाम जाप कर रहे होते हैं तो वो चीज़ें बनना शुरू हो जाती है, मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। आप इसे देखा होगा, आपने बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो यहाँ, हो सकता है अपने इंडिया के ना हो, बाहर के भी हों या इंडिया के ही हों, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, ये वो, कई चीज़ों को इसी रूप में दिखाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो उसको उस प्रकार से समझने का प्रयास मत करिए। अभी कुछ लोग ये ऐसा भी तर्क देना शुरू करेंगे कि भोलेनाथ पे हम दूध चढ़ाते हैं तो वेस्ट हो जाता है, वो नाली में चला जाता है, बह जाता है, कई तरह से इस तरह से भी आया। तो उन चीज़ों को आप जस्टिफाई या बहस करके जीत नहीं सकते हो। देखिए, भगवान की पूजा करना, आराधना करना, भगवान से जुड़ना, उनका नाम जाप करना कोई बहस का विषय नहीं है। इसमें आपको किसी को कुछ समझाने की व्यवस्था मत करिए, या कोई समझाने वाली कोई ऐसी बहस मत करिए, किसी से उलझिए मत, क्योंकि पूजा पाठ जाप आपके स्वयं का विषय है, स्वयं आप उससे जुड़े हैं और स्वयं को ही रास्ता दिखाना है। जब आप इनलाइटमेंट कर लेते हैं अपना, जब आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित कर लेते हैं, तब आप दूसरों को रास्ता दिखा सकते हैं। पहले आपके पास उतनी अग्नि तो होनी चाहिए कि दूसरों को दिखाई पड़े। अभी तो आपकी अग्नि खुद को दिखाई नहीं पड़ रही है। जब आप उस अग्नि को खुद महसूस नहीं कर पा रहे हैं, उस ऊर्जा को खुद महसूस नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों को आप क्या समझाएंगे? तो सबसे पहले अपने आप का इनलाइटमेंट करिए, अपने आप की ऊर्जा बढ़ाने का प्रयास करिए। मैंने कई बार कई वीडियो में ये बात कही है कि जब तक हम अपनी खुद की ऊर्जा नहीं बढ़ा पाते हैं, जब तक हम अपने जीवन को खुद नहीं बदल पाते हैं, हमने अपना जीवन बदला ही नहीं, हमें मंत्र जाप से कोई लाभ हुआ ही नहीं, हमें नाम जाप से कोई लाभ हुआ नहीं, तो हम दूसरे का जीवन किस प्रकार से बदलेंगे? दूसरे को क्या सलाह देंगे, दूसरे को क्या ज्ञान देंगे, जब हम अपना खुद का कुछ नहीं बदल पा रहे, जब हम खुद अपने कष्टों का निवारण नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरे के कष्ट का निवारण क्या करेंगे? तो यही वो बात समझने वाली है कि जो गुरु खुद के जीवन को नहीं बदल पाए, वो आपके जीवन को क्या बदलेंगे? ये सोच के गुरु की तलाश करिए। जब आप ऐसे गुरु को पकड़ेंगे जिन्होंने अपने जीवन को खुद बदला है, अपनी तपस्या के बल पे, अपनी साधना के बल पे, अपने नाम जाप के बल पे, या फिर ये कह सकते हो कि मंत्र जाप के भरोसे उन्होंने जब खुद के जीवन को बदला है, तो ही तो वो आपके जीवन को बदल पाएंगे। जैसा कि आपने शुरू में भी समझा था कि नाम जाप में ज़्यादा नियम की आवश्यकता नहीं होती, नाम जाप में ज़्यादा ये नहीं सोचना पड़ता है कि हम ऐसे करें वैसे करें, कहीं पे भी कैसे भी बैठे हुए आप नाम जाप कर सकते हैं, सोने से पहले भी आप नाम जाप कर सकते हैं, नाम जाप में ज़्यादा नियम नहीं होते हैं। नाम जाप में अगर आप नियम के साथ करते हैं तो उसका जो फल होता है कई गुना बढ़ जाता है। जैसे आपने नियम अपना लिया कि हम ब्रह्म मुहूर्त में ही नाम जाप करेंगे, ईष्ट देवी देवता पे समर्पित होके जाप करेंगे, या एक संकल्प के साथ जाप करेंगे, तो नाम जाप आपको बहुत कुछ देता है, बहुत पावर उसमें होती है, बहुत ऊर्जा उसमें होती है। अब देखिए, हम क्या होता है जीवन में इसी बात में उलझे रह जाते हैं कि इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, नाम जाप करने से क्या होगा, सुबह शाम करने से क्या होगा, लगातार जप करने से क्या होगा, सिर्फ उलझे रहते हैं। क्या कहा मैंने? सिर्फ उलझे रहते हैं। उतने ही समय अगर नाम जाप आपने कर लिया होता, शायद आपको फल भी समझ में आ गया होता कि क्या फल मिलता है। इसी प्रकार से मंत्र जाप का भी है कि हम उलझे रहते हैं, किस मंत्र का जाप करें, क्या करें, इससे क्या होगा, ओम नमः शिवाय का जाप करने से क्या होगा। जितना समय हम सिर्फ सोचने में बर्बाद करते हैं, उतना अगर हम कर लिए होते तो बहुत कुछ आपको समझ भी आने लगता।
देखिए अध्यात्म एक ऐसी व्यवस्था है जो तुरंत आपको त्वरित फल नहीं देता है, कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार सोच के आप इससे मत जुड़िए, किसी भी जाप से या फिर किसी भी पूजा पाठ से या भी किसी भी अनुष्ठान से। ये चीज़ें आपके समय को परिवर्तित करती हैं, ये चीज़ें आपके जीवन में आने वाले समय के लिए योग बनाती हैं और उन योग के कारण आपका जीवन बदलता है। तो जब भी आप जाप करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को बढ़ा रहे होते हैं, जब वो ऊर्जा बढ़ती है तो जो चीज़ें आप सोच रहे होते हैं, जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, वो चीज़ें जीवन में घटित होना शुरू हो जाती है। अब मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करके आप बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप उन वीडियो को देखना शुरू कर दो। आपके विचार इतने गंदे हैं कि कहा नहीं जा सकता, आप बुरे कर्म इतने करते हैं कि कहा नहीं जा सकता, आपके जीवन में आप अच्छे नहीं हो ये आप जानते हो। अब आपने देखा मैनिफेस्टेशन टेक्निक, आपने लगाना शुरू कर दिया मेरा ये हो जाए मेरा वो हो जाए, कुछ नहीं होगा। आपको क्या लगेगा ये सब चीज़ें बकवास हैं। देखिए कोई भी एनर्जी तभी कार्य करती है, कोई भी ऊर्जा तभी कार्य करती है जब हम उसमें खुद की भी पावर लगाते हैं। और खुद की पावर आपकी कब जनरेट होती है, खुद की ऊर्जा तब जनरेट होती है, तब बढ़ती है जब आप अपने बहुत सारी चीज़ों को बदल लेते हैं, अपने कर्मों को बदल लेते हैं, अपने विचारों को बदल लेते हैं, अपने जो जीवन में बुरे कर्म किए होते हैं उनसे छुटकारा पा लेते हैं, सत्कर्म करने लगते हैं, विश्वास करने लगते हैं, तो फिर एक अलग ही ऊर्जा पैदा होना शुरू हो जाती है। जिस चीज़ से आप जोड़ रहे हैं उसी प्रकार की ऊर्जा का माहौल बनाएंगे तो ही तो चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। उदाहरण से समझने का प्रयास करिए, जहाँ पे सेब की खेती होती है, जहाँ सेब पैदा होता है, तो सेब तो वहीं पैदा होगा ना। आप उसको गर्मी वाले इलाके में लेके आओ, पेड़ लगाओ, देखो फल नहीं देगा। लेकिन वही माहौल अगर वही वातावरण जहाँ पे आप पेड़ लगा रहे हो वहाँ पे आप पैदा कर दो तो क्या पेड़ वो फलित नहीं करेगा, फल नहीं देगा, 100% देगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमको सिर्फ पेड़ लगाने से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ बीज बोने से मतलब नहीं है, पेड़ के बड़े होने से मतलब नहीं है, हम उसका माहौल क्या बना रहे हैं, हम उसको ऊर्जा क्या दे रहे हैं, इसका भी बहुत फर्क पड़ता है। उसके बाद ही वो चीज़ें आपके जीवन में असर करना शुरू करती हैं। तो नाम जाप अगर आप कर रहे होते हैं तो आप आज वर्तमान में भले आपको कुछ ना दे, वर्तमान में भले आपको कुछ भी ना मिले, वर्तमान में एक चीज़ अवश्य मिलती है, मानसिक शांति। मन में गलत विचार आना बंद हो जाते हैं, मन में जो उलझने चल रही होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाता है। आज के समय फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, बिना मतलब के चिढ़ मची रहना, बिना मतलब के गुस्सा आते रहना, हर बात में गुस्सा आना, पत्नी ने कुछ कह दिया तो गुस्सा आ गया, पति ने कुछ कह दिया तो गुस्सा आ गया, बच्चों ने कुछ कर दिया तो गुस्सा आ गया, फ़ोन चला रहे हैं तो गुस्सा आ रहा है, पढ़ रहे हैं तो सही से नहीं पढ़ रहे तो गुस्सा आ रहा है, हर चीज़ में गुस्सा आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन भरा पड़ा है, आपके अंदर दिमाग में एक तनाव सा भरा पड़ा है बिना बात का। ऐसा नहीं कि बहुत टेंशन है आपको, लोगों ने दे रखी है, लेकिन उसके बाद में आपको सब टेंशन जैसा लगता है। खाना बनाना है बहुत टेंशन है, बाहर जाना है बहुत टेंशन है, मार्केटिंग करना है बहुत टेंशन है, ये करना है वो करना है बहुत टेंशन है। तो जब आप जाप करते हैं, नाम जाप कर दें, तो आपके माइंड से ये फ्रस्ट्रेशन जो नाम का जो कीड़ा है ये निकलना शुरू हो जाता है। देखिए जब आप मन आपका शांत होगा, अच्छा होगा, अच्छी अवस्था में होगा, तो ही तो आप अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, तो ही तो आप अच्छे निर्णय ले पाएंगे। तो नाम जाप एग्जैक्टली यही करता है आपके लिए, आपके जीवन को बदलने में बहुत मदद करता है। एक बात जुड़ के देखिए, बात यहाँ ये नहीं है कि सिर्फ नाम जाप से जुड़ के देखिए, जो लोग कुछ नहीं करते हैं उनके लिए एक शुरुआती दौर तो है कि हाँ नाम जाप से ही शुरू कर लें, जिसमें ज़्यादा नियम की बाध्यता नहीं है। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, सवालों का हमेशा स्वागत है, हमेशा मैं उनका जवाब देता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।